ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ग्रेटर नोएडा रोटरी क्लब द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ सैकड़ों स्टूडेंट्स ने इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। इसी सिलसिले में हमने रोटरी क्लब से जुड़े लोगों से भी खास बातचीत की। देखें क्या बोले रोटरी क्लब से जुड़े लोग। अतुल जी, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर? सर, ये रोटरी क्लब ऑफ ग्रीन ग्रेटर नोएडा के द्वारा गुलगोटिया यूनिवर्सिटी में आज एक ब्लड डोनेशन का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर हमारा अंदाजा 200 से ऊपर ब्लड यूनिट्स मिलने का है। और इसके लिए काफ़ी आयोजन जो है वो यूनिवर्सिटी ने भी किया है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि काफ़ी लोग इनके स्टाफ के हिसाब से भी लगे हुए हैं, और हमारे जो ब्लड टीम है जो कि जिसके नोएडा से ये जो ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं बस आई है, जो इसमें भी काफ़ी स्टाफ मैनेज किया हुआ है। हम लोगों के रोटरी क्लब की तरफ से भी लगभग 25 से ज्यादा मेंबर्स यहाँ पे शिरकत करेंगे, इसका अंदाजा है हमारा। आप यहाँ पर ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, मेरे ब्लड से किसी को सहायता मिलेगी, और क्या, बस यही। आप बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ऋषि अग्रवाल, मैं रोटरी क्लब ग्रीन ग्रेटर नोएडा का ट्रेजरर हूँ मैं अभी। और ये जो हमारा ब्लड कैंप लगा हुआ है, हम इस तरह के आयोजन पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में करते रहते हैं। इसका पर्पज सब यही है कि हम लोगों को जागरूक करें इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से, कि 18 से लेकर 65 वर्ष की आयु तक के लोगों को अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से क्या होता है कि अपना ब्लड भी प्योर पूरा मतलब प्योरीफाई होता रहता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो हमारी बनती रहती है। और एक जैसे भी जैन साहब ने बताया था पहले कि एक यूनिट ब्लड से हम 3 लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम अपना ब्लड का कैंप लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता बनी रहे ब्लड डोनेशन के लिए। थैंक यू। आप जगह जगह ये कैंप लगाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, जी जी, क्या मकसद है और क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, और क्योंकि यहाँ युवा शक्ति पढ़ती है और उन्हें ये हमें मैसेज देना है कि ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन से देने वाले को भी फायदा होता है। और ब्लड ऐसी चीज है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, ये इंसान के शरीर में ही बनता है। और जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो एक यूनिट से 3 लोगों की जान हम बचा सकते हैं। तो ये बच्चों को मोटिवेशन के लिए कैंप लगाया गया और बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। हमें उम्मीद है सैकड़ों की संख्या में यहाँ से हम ब्लड एकत्र कर पाएंगे और बहुत से लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दे पाएंगे। गांधी जी, यहाँ भी कैंप लगाया, जगह जगह कैंप लगते रहते हैं, जगह जगह लगाते रहते हैं। कोशिश ये जितनी ज्यादा कैंप लग सके हमारे, उतना ही हम ज्यादा ब्लड इकट्ठा कर सकते हैं, उतना ही लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ये हमेशा वो रहता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या, कॉलेज में जो बच्चे जो हैं, ये नई पीढ़ी है, इन्हें और मोटिवेशन मिलेगा, इन्हें ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि तो लोगों को है ना ब्लड के देने के बारे में भ्रांति काफी ज्यादा है, तो वो भी टूटती है। बच्चे जब ये देखते हैं कुछ देखे अच्छा लग रहा है, तो ये फायदा है इसका।